तो सो यहाँ पे ओल्ड कार्ड वर्सेस न्यू क्रेडिट कार्ड, मतलब कि ओल्ड क्रेडिट कार्ड होता है और इसके बाद जो न्यू क्रेडिट कार्ड आ रहा है अब के टाइम में बैंक के ला रही हैं, ऐसी क्या बेनिफिट है, आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला। मेरे पास इतने सारे कार्ड है, अभी और कार्ड मैं इस पेटी के अंदर रखा हूँ क्योंकि मैं इतना ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो ओल्ड कार्ड है मैं अब तक क्यों यूज कर रहा हूँ और न्यू कार्ड पे हम क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। काफी लोग ये गलती करके परेशान रहते हैं जो कि बाद में उनको दिक्कत होती है। मैं सारे पुराने कार्ड को यूज कर रहा हूँ, कार्ड को अपडेट करने का ऑप्शन आ गया, इसे अपडेट कर लीजिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ और आपको भी क्यों नहीं करना चाहिए। प्लीज वीडियो को आधा ना देखकर पूरा देखना, बहुत काम का वीडियो है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, अगर आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों आप लोगों के पास 2018, 19, 17, 16 से क्रेडिट कार्ड मिलते जा रहे हैं और पहले के टाइम में बहुत सारे से कार्ड मार्केट में आए, इसके ज्वाइनिंग फीस 400, 500, 600, 800, 700, 800, 900, 1000 ऐसे करके रहते थे। लोगों के पास ओल्ड क्रेडिट कार्ड है, बैंक उन्हें ऑफर कर रहा है आप कार्ड को अपग्रेड कर ले। पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे ऑफर आया, मैंने मना कर दिया। मना क्यों किया, इसके तीन कारण है। पहले कारण ये है कि जो मेरे न्यू कार्ड है, अब मान लो अगर मैं प्रेजेंट टाइम में अगर मैं सूरत में हूँ तो अब मान लो हमारा वो एड्रेस तो वहाँ का है, अगर मैं गांव चला आया तो हमारा जो कार्ड है वो उसी एड्रेस पर जाएगा, हमें पिकअप करना पड़ेगा तभी हमारा कार्ड मिलेगा, न्यू कार्ड की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमारा नुकसान ये है, न्यू कार्ड आएगा तो न्यू कार्ड के हिसाब से जो बेनिफिट है, जो फैसिलिटी है, बैंक कभी भी आपको अगर एक पहले वाला क्रेडिट कार्ड दिया है, दूसरा कार्ड जब भी आपको अपडेट कर देगा उसकी ज्वाइनिंग फीस हाई ही रखेगा, लो कभी नहीं रखेगा, डिक्रीज तो नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके चलते मुझे ज्वाइनिंग फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा मोड़ा कैशबैक रिवार्ड पॉइंट के चक्कर और कुछ भी नहीं। पहले के टाइम में रिवार्ड पॉइंट से अमेज़न का वाउचर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लेना, अब कुछ साइटें ऐसी हैं, कुछ बैंकें ऐसी हैं जो इसको खत्म ही कर दिया। अब समझ जाओ कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप क्रेडिट कार्ड से आप कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना अमेज़न फ्लिपकार्ट का वाउचर ले सकते, ये बहुत सारे सिस्टम इन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे ऐसे नए नए पार्टनर ला दिए हैं जिनका वाउचर आपको लेना पड़ेगा मजबूरी में, और कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कार्ड को अपडेट कर लिया तो आपको ज्वाइनिंग फीस और जो न्यू कार्ड के रूल और नियम है उसके बिहा पे आपको चलना पड़ेगा, इस सारी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ेगी न्यू कार्ड में। अगर आपके पास ओल्ड कार्ड है तो ओल्ड कार्ड जब तक बैंक लागू किया है आप उसका बेनिफिट लाभ ले सकते हैं। यह सब कारण है कि मैंने अपने कार्ड को अब तक अपडेट नहीं किया। SBI कार्ड का मुझे ऑफर आया, मैंने इसे मना कर दिया। मेरे पास सिंपली क्रेडिट कार्ड है, मैं उसे आज भी यूज कर रहा हूं, मैं उसे अपडेट नहीं कर रहा हूं। क्यों भैया, 1000 रुपए मुझे देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस एनुअल चार्ज, साथ में जो है बेनिफिट की बात करूं तो मात्र मुश्किल से 3% का मुझे बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि 3%, और उसमें सिर्फ कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट, मतलब कि मैं कैशबैक पाने के चक्कर में कार्ड को अधिक खर्च करूं तो जाके मुझे अधिक बेनिफिट प्राप्त होगा। क्यों भैया ऐसा हम गलती करें? तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आपके पास ओल्ड कार्ड है तो आप ओल्ड कार्ड से जो सारे काम कर सकते हो वो काम आप न्यू कार्ड से भी कर सकते हो। सिर्फ फर्क दो चीज का मिलेगा, रिवार्ड पॉइंट कुछ कैशबैक के चक्कर, और आपको कोई चीज देखने को नया नहीं मिलेगा। और जो इंश्योरेंस क्लेम और ए पॉलिसी की बात होती है कि आपको ए मिलेगा, कभी आप इसको लागू कर देखिए, आपको दुनिया भर की कहानियां सुनाई जाएगी, ए करो ओ करो ऐसा करो वैसा करो तो आपको हम देंगे, आप एकदम परेशान हो जाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ दिखाने के लिए होती है, रियल लाइफ में आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे अपने सभी व्यूअर्स से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आप लोग की मर्जी, मानो या ना मानो, सिर्फ मैं आपको सलाह दे सकता हूं, बोल सकता हूं कि अगर आपके पास कोई भी ओल्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे अपडेट ना करवाएं। मैं खुद जो है कम से ना कम 8-10 साल से ओल्ड पे अटका हूं, न्यू पे नहीं जा रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे पुल्टे कमेंट करेंगे, मुझे उनके कमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।